गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज मेरा ऑफ है, तो वही मैं सुबह उठा तो नम्रता जा चुकी थी स्कूल, बच्चे भी स्कूल, तो कुछ करने को नहीं था। फटाफट चाय पी, नाश्ता किया और अब मैं निकला हूँ। आज मैंने कहा गाड़ी वॉश कराते हैं, क्योंकि उस दिन सर्विस कराई थी तो सिर्फ इंजन ऑयल और फिल्टर और वो सब काम करा लिया था इंजन का, तो वॉश कराने का टाइम नहीं था। तो मैंने कहा आज चलते हैं, छुट्टी का दिन है, मेरी छुट्टी है, वैसे तो यहाँ वीकडे है, तो गाड़ी वॉश कराते हैं। तो चलो चलते हैं और उसके बाद थोड़ा सा जिम करेंगे और देखते हैं शाम को आगे क्या प्रोग्राम बनता है। शाम होते होते तक मैं बड़ा लेज़ी हो जाता हूँ, फिर उसके बाद प्रोग्राम तो मैं बहुत बनाता हूँ कि चलो यहाँ चलेंगे वहाँ चलेंगे, लेकिन अब जैसे कि सबका रूटीन शुरू हो गया है पूरी फैमिली का, तो सब थक जाते हैं। सुबह तो बहुत प्रोग्राम बनाते हैं, हाँ ठीक है शाम को चल लेंगे, हाँ ये ख़रीदना है शाम को चल लेंगे, लेकिन शाम होते होते थकान हो जाती है, फिर हम उसको टाल देते हैं कि चलो वीकेंड पे कर लेंगे। तो वही है, तो जैसे मेरा ऑफ है तो मैं फ्री हूँ, तो मैंने कहा चलो मैं ये काम करता हूँ आज, और अभी फ़ोन करूँगा नम्रता को, अगर कुछ और घर का काम है तो मैं निपटा दूँगा, क्योंकि कल फिर मेरी एक अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट है जो कि काफ़ी लंबी है, और फिर मिडनाइट तक वापस आऊँगा। तो यूरोप की कोई फ़्लाइट है, लेकिन आना और जाना है तो वो लंबी हो जाती है, तो सुबह 6 बजे घर से निकलो और रात को 11-12 बजे आओ। तो ये क्रू लाइफ का एक पार्ट है कि 7-8 घंटे की ड्यूटी नहीं है, सीधा ही ड्यूटी कई बार होती है तो 14-15 घंटे की होती है, जो हमारा फ्लाइंग ड्यूटी के चार्ट है उस हिसाब से, सेक्टर के हिसाब से कितना फ्लाई कर सकते हो मैक्सिमम। चलो पहले तो आज का काम निपटाएं, गाड़ी को वॉश करा दें, क्योंकि एक दो बार पहले मैं जैसे कराता रहता हूँ वॉश, लेकिन बाहर से करा ली, तो आज अंदर से भी साफ़ कराते हैं। महीने डेढ़ महीने में मैं एक बार अंदर से भी साफ़ करा लेता हूँ कि अच्छा रहता है। तो गाइस मैं एक जगह गया था, बहुत भीड़ थी, तो चलते हैं ऑटोमेटिक वॉश कराते हैं यहाँ पे पेट्रोल पंप्स फ्यूलिंग स्टेशन पे, ऑटोमेटिक कार वॉश होता है, तो कराते हैं पहले वो अंदर से कर देंगे वैक्यूम से, और फिर उसके बाद ऑटोमेटिक कार वॉश। बस मुझे कार ड्राइव इन करनी है और ड्राइव आउट करनी है, तो चलो वहाँ चलते हैं और वहाँ शायद थोड़ा सा जल्दी काम हो जाएगा, तो देखते हैं। तो ये हम पहुँच गए पेट्रोल पंप पे जहाँ पे ऑटोमेटिक कार वॉश होती है। आई होप रश ना हो, ओह माय गॉड, 4-5 गाड़ियाँ हैं। तो यहाँ तो बड़ा रश है, अब आज कराएं कि ना कराएं बात करनी पड़ेगी, चलो देखते हैं। तो गाइस इधर काफ़ी रश है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 गाड़ियाँ हैं। तो मेरे को आके कहता है कि अभी तो गर्मी है, आपका शीशे में ना ये थोड़ा सा निशान है इधर, तो अगर उधर जाएगा ऑटो वॉश में तो क्या कहते हैं शीशा टूट जाएगा। मैंने कहा आज तक तो ऐसा हुआ नहीं, नहीं ऐसा होता है, मैंने कहा होता है तो नहीं, आप शाम को आओ अभी मत। तो बेसिक बात यह है कि रश है जिस वजह से टालम टाली कर रहे हैं, प्लान कैंसिल गाइस, वॉश तो शायद ना हो पाए आज, एक आध जगह और चेक करते हैं, नहीं तो घर चलते हैं, जिम जाएंगे, जरूर जाएंगे, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हैप्पी नवरात्रा टू एवरीबडी, नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं, माँ शेरावाली आपकी सभी कामनाएं पूरी करे। तो अभी शाम को मैं निकला हूँ, दोबारा एक बार देखते हैं कार वॉश का, अगर हो जाती है तो, क्योंकि सुबह तो एक अलग ही
रीज़न था उनका। मैं भी कहीं और नहीं गया, वैसे तो बहुत जगहों पे कुवैत में होती है कार वॉश, लेकिन मैं नहीं गया। मैंने कहा यार अब ये घर के पास है तो एक बार शाम को ट्राई कर लेंगे। तो चलो, तो गाइस अभी मैं आया हूँ यहाँ पे, कोई ज़्यादा अटेंशन नहीं मिल रही है, पता नहीं ये करना भी है इन्होंने नहीं करना है। तो अभी यहाँ गाड़ी लगाई है तो देखते हैं पार्क क्या करना है उसमें। तो गाइस अभी यहाँ पे मैं आया हूँ तो अब पेमेंट करी है तो वो कार वॉश कर रहा है। पहले अंदर से वैक्यूम करेंगे, फिर उसके बाद ऑटोमेटिक कार वॉश है जिसमें सोप डिस्पेंसर और पानी के साथ, तो इसीलिए हाँ मैं अपना ले रहा हूँ, बस अपना वीडियो ले। तो कह रहा वीडियो लेना अलाउड नहीं, मैंने कहा भाई अपने से तो बात कर सकते हैं, मैं अपना वीडियो ले रहा हूँ भाई। से वैक्यूम, तो अब पहले पानी डाला, अब ये देखो अब सारा सोप डाल दिया गाड़ी पे। अब इसके बाद ब्रशिंग होएगी और फिर उसके बाद वॉश। एक बार और सोप वाला होगा या फिर सीधा हवा मार के सुखा देंगे, फिर उसके बाद बाय हैंड थोड़ी क्लीनिंग। तो गाइस ऑलमोस्ट डन, तो चलो चलते हैं आगे की तरफ, मिलते हैं गाइस। तो गाइस क्लीनिंग डन, अब मैनुअल क्लीनिंग, थोड़ी बहुत जो गाड़ी की गुंजाइश रहेगी सुखाने की तो वो ये सुखाएंगे अभी। और ऑटो वॉश डन हो गया है, ये देखिए ऑटो वॉश। तो मैनुअल क्लीनिंग चल रही है, थोड़ा अंदर बाहर से दोबारा क्लीन करेंगे। तो चलो चलते हैं घर, आज का मिशन हो गया, थर्सडे है। बच्चे कह रहे थे कुछ मूवीज़ देखेंगे, कितनी देख लेंगे, एक ही देखेंगे। तो एक मूवी देखेंगे और कुछ एंजॉय करते हैं। वैसे सुबह अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट है जो मैंने बताया था, पूरा दिन जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, वीकेंड भी ज़रूरी है, उनको भी एक ही छुट्टी मिलती है, अब स्कूल शुरू हो गए हैं तो बस। तो चलो घर चलते हैं। तो गाइस वेलकम बैक होम। तो मुझे समझ नहीं आया सुबह उसने मुझे क्यों मना किया, जो कि मैंने आपको बताया कि रश बहुत था, आज वीकेंड है थर्सडे, तो दोपहर में लोग अपनी गाड़ियों को अच्छे से घिसाई करवाते हैं, चमकवाते हैं, क्योंकि रात को कहीं पार्टी में जाना है, कहीं शालों में जाना है, और अब लोगों ने मतलब एक टूर होती है, गाड़ी दिखानी है, बिल्कुल चमकती हुई होनी चाहिए, अंदर से साफ़ होनी चाहिए भाई, गर्लफ्रेंड घुमानी है, बॉयफ्रेंड घुमाना है, या बंदे या रिश्तेदारों को दिखाना है। तो बहुत भीड़ थी, लोग अंदर से भी करवा रहे थे और उसके बाद जैसे वही अंदर ऑटोमेटिक मशीन में जाना है, तो वो मतलब डबल टाइम कंज्यूमिंग है। तो उसने मुझे वो ड्रामा करके कि आपके शीशे पे ना ये वो है, थोड़ा सा स्क्रैच है, वो पत्थर लगने की वजह से हल्का सा वो है, तो ये जब मशीन ये ऑटोमेटिक मशीन में जाएगा तो ग्लास टूट सकता है। तो मैंने कहा मेरी जिम्मेवारी है, तो कहता नहीं हमारी, अगर हमारा रबड़ ख़राब हो जाएगा, हमारी मशीन ख़राब हो जाएगी। तो मैंने कहा अच्छा भाई तू अब फालतू मत बोल, नहीं करनी तो मैं शाम को देखूँगा। तो अब गया, कोई किसी ने पूछा भी नहीं, कोई कुछ भी नहीं, हाँ जी कराने इतने पैसे, हाँ ये दे दो फटाफट अंदर से वैक्यूम ये वो, कोई भी नहीं था। तो बल्कि चार बंदे लग गए मेरी गाड़ी में फटाफट काम,
मशीन के अंदर, और वहाँ बाहर भी दो बंदे पहले वेट कर रहे थे, फटाफट सब पानी जितना तो मशीन ने ही सुखा दिया, बाकी वो तो ऐसे ही है। ड्रामेबाजी लोगों की कभी भी ख़त्म नहीं होती है, ये चीज़ें मुझे पसंद नहीं है। तो पता नहीं, तो आज वीकेंड है गाइस, ये बैठी सो रही है। मैं बहुत थक गई हूँ। कब नहीं थकती तू? ऐसे तो मत बोलो यार। नवरात्रों की शुभकामनाएं दी सबको, हाँ, हैप्पी नवरात्रि टू एल ऑल ऑफ यू। टू एलो ऑल ऑफ यू। देखा कितनी थकी हुई हूँ मैं। इतनी इतनी थकी हुई कि आवाज भी नहीं निकल रही है। तो गाइस आज से नराते शुरू हैं। कितने दिन के हैं? पता नहीं, छह छः हैं हैं कि कि सात, सात हैं? देखना पड़ेगा अभी, पता नहीं। आज तो पहला है फॉर श्योर। लेशा ने रखा है फर्स्ट फास्ट, कह रही है मैंने सारे रखने हैं। मैंने कहा चलो अच्छी बात है भाई, बच्चे रखेंगे तो अपना कल्चर सीखेंगे, हम क्यों मना करें। तो देखते वो हैं। रख नहीं पाएगी, वो ऐसे ही उसको भूख बहुत लगती हाँ, है। वो सुबह से बोल अभी रही शाम है। को मैं उठ के आया, जैसे हम आधा घंटा लेट गया था मैं जिम से आया, तो उठ के आया तो फ्रूट खा रही थी। मतलब उसको भूख लग रही है, मतलब मेरे को भूख लग रही है। मैंने कहा नहीं, वो अच्छा, मुझसे पूछ रही थी मम्मी हम क्या तो क्या खा सकते हैं, उसने तो कौन ये सा। मटरी खाई है अभी जो मैंने नहीं जो नहीं चाय के नहीं साथ खाई नहीं है। नहीं नहीं उसने नहीं खाई, उसने सिर्फ चाय पी है। पूछ रही थी कौन सी सब्जी खा सकते हैं, कौन सा फ्रूट। अच्छा मम्मी, फिर हम बर्फी खा सकते हैं, तो ये ये एक वाली। दिन का मामला थोड़ी है, तो 7 दिन का है, चलो तो फिर देखेंगे, अब जितने रख लेगी रख लेगी, कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम है उसका, देखते हैं। तो और क्या प्रोग्राम है आज का? थर्सडे पिक्चर देखनी है क्या? मैं तो सो जाऊंगी अभी 10 बजे। तो गाइस ये सो जाएगी, हम पिक्चर देखते हैं, नहीं तो आज मैं पबजी खेलूँगा। बस यस, रात को भी तुम पबजी खेल रहे थे, 2 बार तो मैं डरी। और बस रात को मैंने पबजी खेली ना, ये सो गई थी, मुझे नींद नहीं आ रही, 2 गेम खेली बस, अब मेरे में कीड़ा आ गया, अब मैं पबजी खेलूँगा, बिल्कुल खेलूँगा। आज वीकेंड है, आज 2 घंटे रात को पबजी खेलेंगे। और सवेरे फ्लाइट कैसे करोगे फिर? फ्लाइट में क्या करना है? फ्लाइट कर लेंगे, फ्लाइट तो हो ही जाती है। कौन सा मैं कह रहा हूँ कि नहीं, मैं सोऊंगा 8 घंटे सोऊंगा, प्रॉपर 8 घंटे सोऊंगा। तो गाइस ध्यान रखिए अपना, स्टे सेफ, मास्क जरूर पहनिए, और जितना कम हो सके बाहर मत जाइए, डिस्टेंस रखिए, ध्यान रखिए गाइस अपना, स्टे सेफ, सी यू।